अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीलॉग बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ जी अनारकली कमर्शियल मार्केट में। ये मैं आई जी रेस्टोरेंट में, मैंने देखा जी मेन्यू सबसे पहले, तो यहाँ पे तो हमारे तकरीबन लग गए जी कुछ 5-6 मिनट, जिसमें जो है मेन्यू डिसाइड हो रहा था कि ऑर्डर क्या करूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। वो यही है कि मैं सिलेक्ट क्या करूं और मैं खाऊं क्या। तो जी ये तो मैं सोच समझ रही थी कि मुझे क्या चाहिए क्या खाऊं, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने दिन को खाना नहीं खाया था। तो फिर इस वजह से मैं इवनिंग में आई, मैंने कहा चलो कुछ खाऊं। फिर मैंने कंसंट्रेशन की नूडल्स पे, मैंने कहा नूडल्स में से कुछ चिकन चाउमिन खा लूँ, वेजिटेबल खा लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ और देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो बस मेन्यू डिसाइड हो रहा है अभी। साथ साथ में मैंने कहा मैं कुछ हिफ्स भी कर लूँ मेन्यू के, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मुझे सब कुछ पता हो कि ठीक है इधर क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा। क्योंकि ये मेरी वाकई बहुत बुरी आदत है कि मैं बहुत टाइम लगाती हूँ मेन्यू सेलेक्ट करने में, कि मैं क्या खाना चाह रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। मैं ओवरऑल देखती हूँ मेन्यू, उसके बाद मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मैंने क्या खाना है। तो तकरीबन जनाब मेरे 5-6 मिनट लगे जिसमें मैंने डिसाइड नहीं किया बल्कि सोचा कि मैं क्या करूँ, क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। स्टिल मेरा मेन्यू डिसाइड हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। इसमें जी लग जाने हैं कुछ 2-3 मिनट और इंतज़ार फरमाती हूँ, शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं। फिर अल्लाह अल्लाह करके कुछ मैं फैसले पे पहुंची कि मैं क्या ऑर्डर करवाऊंगी। फिर मेन्यू पे लग गए जी, काफ़ी टाइम लग गया मेन्यू डिसाइड करते करते। फिर जी फाइनल हुआ कि क्या ऑर्डर करवाना है। फिर उसके बाद ऑर्डर दिया और इंतज़ार किया कि अब ऑर्डर आएगा कब। तो फिर हुआ ये कि अब वीडियो देखें, फिर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ फाइनल। फिर मेन्यू हो गया क्लोज, मैंने ऑर्डर दे दिया। फाइनली मैंने सेलेक्ट जो किया था वो मैंने किया था जी वेजिटेबल चाउमिन खाने का। फिर इंतज़ार किया, तकरीबन इस पे भी कुछ टाइम लग गया कि अब ऑर्डर आएगा लेगा। फिर उसके बाद इंतज़ार किया कि अब ऑर्डर कब आएगा। पहले तो इंतज़ार किया वेटर को आके वो आए और ऑर्डर ले, फिर इंतज़ार किया कि अब जल्दी जल्दी से ऑर्डर आ जाए क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। मैं शोर खाने का बहुत मैं चाहती हूँ लेकिन मैं खाती इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है अनारकली का। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना लूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोग भी यहाँ आए विज़िट करें और कमेंट्स में मेंशन करें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और रेस्टोरेंट में अगर आप लोग आए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का इस रेस्टोरेंट में। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में मेंशन भी करें कि नेक्स्ट टाइम आप किस चीज़ का रिव्यू चाह रहे हो या क्या चाह रहे हो। आप बस मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, फिर मैं उसी का वीलॉग बनाऊँगी। तो जी अभी मैं इंतज़ार फरमा रही थी, फिर मैंने कहा ये जो नमक है
और जो मसाले हैं मैं बैठ के यही चेक कर लूँ कि इसके अंदर कुछ है भी है या सिर्फ खाली रखे हुए हैं। फिर मैं स्टिल इंतज़ार करती गई करती गई करती गई, क्योंकि इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं बस कभी कीज़ के साथ खेलती, कभी मेन्यू के साथ खेलती, बस यूं ही वक्त गुज़रता गया गुज़रता गया। और फिर हुआ कुछ यूं कि फाइनली फाइनली फिर मैंने कहा चलो जी मैं ज़रा बना लूँ वीडियो इन लोगों की भी, कि शायद इनको कुछ एहसास हो कि कोई बंदा बैठा हुआ है, खाना ला दो। फिर फाइनली इन लोगों ने किया क्या, सबसे पहले इन लोगों ने लाया जी फॉक वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद जी आई प्लेटें, काफ़ी इंतज़ार किया, उसके बाद सिर्फ प्लेट्स आईं, वो सिर्फ चमचे आईं। फिर थोड़ा सहारा हुआ कि चलो खाना भी आ जाएगा, और फिर फाइनली खाना आ गया। मैंने मैंने कहेंगे चल्ला अल्लाह किया, शुक्र किया कि शुक्र है खाना आया और खाया मैंने। आई होप आप लोगों को वीडियो